ये हमारे पड़ोसी हैं बैंगलोर में, तो बैंगलोर छोड़ने से पहले इन्होंने हमें बोला कि आप हमारे ही घर पे खाना खा के जाइए क्योंकि बहुत थकान हो जाएगी, आप लोग शिफ्टिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इनके प्यारे प्यारे से दो जुड़वा बच्चे हैं, लव और कुश, बहुत प्यारे हैं, इन्हें हम बहुत मिस करेंगे। तो बैंगलोर का सुंदर वेदर मैं हमेशा मिस करूँगी, बहुत सुंदर है बैंगलोर। तो गढ़वा जाके यही तो मुझे खलेगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ। प्रॉपर केयर, प्रॉपर प्यार मुझे भी और मेरे बेबी को भी मिलेगा, तो मैं रियली एक्साइटेड हूँ। ये मेरे पति पूरा सामान का लोड लेके आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। बैंगलोर को बहुत मिस करने वाले हैं, यहाँ का वेदर, यहाँ का मौसम बहुत सुहाना रहता है। जय कर रहा है। अरे देख गुड्डू, मैं गुड्डू को बहुत मिस करूंगी। ओए लड़की, कल क्या बात हुई थी राजू को बता दो। क्या ओके फाइन, अपडेट कर दो। हाँ ठीक है गुड्डू, करना क्या है इसको भी? चलो तो हम तैयार हैं निकलने के लिए एयरपोर्ट। अरे लगी है मेरे बच्चे, बस लग गए चाबी से लगी। नो गुदू, नहीं दो, नहीं दो, डायपर भी भर गए, अब जल्दी से खोलना पड़ेगा। चलो बाय गुदू, बाय कर दो, बाय 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 बाय, आल मिस यू बेबी। गुड बाय कर दो, ऐसे बाय कर दो, ऐसे बाय कर दो, बाय चलो बाबा। तैयार हैं और बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ट्रैवल कर रहे हैं लोग, मोस्टली खाली ही है। देखिए मोस्टली खाली ही जा रहा है, तो दिल थोड़ा भारी हो रहा है क्योंकि बैंगलोर छोड़ रहे हैं, बट अच्छा है, एक पॉजिटिव चीज़ लेके जा रहे हैं। आगे देखते हैं हमारी जर्नी कैसी होती है। यहाँ तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को खाने को पैक करके दिया है, घर का खाना, और रांची जाके मेरा फ्रेंड वेट करेगा और हमने डिहाइड्रेट नहीं होने के लिए ये कैरी कर लिया है कि पूरे रास्ते मैं पीते जाऊंगी और अच्छा फील करते जाऊंगी। दैट्स इट। बढ़ते के साथ शुरू, हाँ अभी फ्लाइट स्टार्ट नहीं हुई है, शुरू बहुत चटपटा है, दिन रात खाते रहते हो तुम। अच्छा ये बिग बास्केट का ही है, जब मैं होम प्रोडक्शन जमी है। इसमें से कितना निकलेगा देखेंगे। यार थोड़ा पहाड़ एंड निकली चिया, अच्छा लग रहा है यार, लाइक मैगी खा के देखो।
डोंट हैव रायता। नहीं, होटल का बिरयानी नहीं है। मसाला क्लोव्स, क्लोव्स का टेस्ट आ रहा है। मॉम्स बिरयानी लिखा है। थोड़ा थोड़ा मैं मैगी मैगी टाइप लग रहा है। गुड राइट। Yes, you are right. ये विशेष सूचना श्रीमान लक्ष्यदत्त श्रीमान का साथ इंडिगो की फ्लाइट संख्या 69। हम रांची से पहुंचे हैं, नहीं रांची पहुंचे हैं हम लगभग 2 बजे, राइट 2 बजे। और आंटी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, मेरे दोस्त की मम्मा है और उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया था घर का। हम खाए, थोड़ा आराम किया और अभी हम घूमने निकल रहे हैं। तो चलो शॉपिंग पे चलते हैं, हम पहुंच गए हैं रांची। चलो डुड्डू चलो। कैसा है फीडबैक? ऑथेंटिक मोमो तो नहीं है, थोड़ा गरम मसाला डाला हुआ लग रहा है, बट इट्स ओके। और ये अपने लिए ऑर्डर दे दिया अलग से, और मेरे को अभी भुट्टा और गोलगप्पा भी खाना है। तो मेरा फ्रेंड थोड़ी देर में आएगा, उस काम से गया है, हम सब मिल के खाएंगे। मेरे पति देव ने जो चिल्ली लिया था वो, पर ये अच्छा है तो हम शेयर करके खा रहे हैं। आगे और भी चीज़ें ट्राई करनी है हमें। वो काफ़ी फूडी। क्या पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं आप? ये है हमारा बिहार का स्पेशल, झारखंड का स्पेशल सत्तू की लस्सी। लेके जाएंगे बोले। हाँ पी के दिखाओ और बताओ कैसा है जायका? बहुत अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग, मज़ा आ गया। ये इन शॉर्ट प्रोटीन पाउडर है, ये देसी प्रोटीन पाउडर है जिसको बिहार और झारखंड के लोग भी पीते हैं। बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत ताकत देता है। तो हम यहाँ भुट्टा भी खाएंगे, खा रहे हैं मतलब पैक करा रहे हैं, और ये लस्सी। तो आज और कुछ खाइएगा जी, टमी टमी है। मोराबादी मैदान में, मोराबादी मैदान में आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ क्या चीज़ के लिए फेमस है सको? मोराबादी मैदान है हार्ट ऑफ रांची, यहाँ सब चीज़ होता है। उधर देखो फुटबॉल ग्राउंड, बिरसा मुंडा फुटबॉल ग्राउंड, यहाँ कोई रैली धरना प्रदर्शन, नेता मंत्री सब यही होता है ना। तो रांची की खास बात यह है कि खाने के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को सेक्सी और यंग सा भुट्टा चाहिए था, पर इसको क्या मिल गया है? ओल्ड ओल्ड भुट्टा मिल गया, बुढ़ा बुढ़ाइल इसको कहते हैं, बुढ़ाइल मकई मिल गई हमारा। और कैसन लगत बखाए में? बिल्कुल अच्छा लगा। बुढ़ाइल बा कैसन बा ना कि एक खाए से दाँत पुठा जात बा। लेमन लेमन लगा शायद कुछ आए इसमें, टाइट स्वाद, भतिया वाला नहीं है। फिर भी खाएंगे, पैसे लगे। तो गाइस एक काम करते हैं, जैसे नमक लगा के लेमन में तब रगड़ेंगे। पकड़िए क्या ये। तो गाइस मैं आज बहुत सारा जंक फूड खाई हूँ, इन दिनों हो ही जा रहा है। जैसे मैंने खाया मोमोज, मैंने खाया चाउमीन, फिर इसने सत्तू पिया और भुट्टा भी ले लिया, तो उतने में मेरा पेट भर गया। हालांकि मेरा मन था थोड़ा छुटकारा लेने का, चाट गुपचुप का भी, पर मेरे पेट में जगह नहीं है। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डांट रहा था, क्या कह रहे थे तुम? मेरी वाइफ को केवल जंक फूड अच्छी लगती है। मैंने इससे पूछा कि इतना सारा जंक खाए, जूस पिए क्या, कुछ बोली नहीं, जवाब ही नहीं थी उसे। स्किप कर जाती है जूस से बहुत। मैंने पूछा नारियल पानी पी ले, उसमें भी कोई जवाब नहीं आया।
नारियल पानी और जूस, मतलब भूख भूख लगती है तो हाँ समटाइम्स इट्स ओके, बट शाम को स्नैक्स ही मन करता है यार, जैसे समोसा चाट गुपचुप यही सब मन करता है, जूस वूस पीने का मन नहीं करता। तो ये मुझ पे गुस्सा रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहा था कि तुम बहुत जंक खा रही हो, अब रहने दो, और मन है तो थोड़ा सा गोलगप्पा भी खा ही लो अब इतना मन है तो, लेकिन आई फील लाइक मेरा पेट फट जाएगा अभी, इसलिए मैं रहम करूँगी आज पेट पे और कल परसों मैं फिर से गोलगप्पा खाऊँगी। मोमोस नहीं अच्छा था, नूडल्स अच्छा था, इसने चिली जो लिया वो नहीं अच्छा था, सत्तू अच्छा था, मक्का बुढ़ाइल। तो ये था हमारा आज का फीडबैक। तो ओवरऑल डे अच्छा रहा, लेट माय फ्रेंड कम, फिर हम आगे देखते हैं क्या करते हैं। और बहुत थकान हो रखी है आज दिन भर, एक तो ट्रैवलिंग भी बहुत हो गई और शाम को हम लोग घूमने भी निकल गए, तो एंड करते हैं। तो मोस्टली आज रात तक बहुत थकान हो गई, तो आज रात हम बस सो जाएंगे, अब इससे ज़्यादा ब्लॉग्स बनाने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।